हाय दोस्तों, आज देखिए कितना अच्छा फूल खिला है हमारे गमले में। बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आप भी बताना कमेंट में। ये बाबा जी बीट रूट्स काटते हुए, इससे क्या होता है आपकी प्लेटलेट्स हो, इम्यूनिटी पावर हो और शुगर हो और यहाँ तक कि बुखार उखार इन सब में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। इसलिए आप सभी को चुकचुंदर जरूर, चुकचुंदर नहीं ऐसे बोलते, चुकंदर खानी चाहिए। हम रोज़ खाते हैं एज अ सैलेड। ये देखिए पापा तो रोज़ सुबह दो तीन उठा लेते हैं और अकेले ही खा जाते हैं। हे दोस्तों, ये मम्मी जी हमारी अदरक वाली चाय बनाते हुए, ये अदरक कूटा जा रहा है। अदरक ये ना मम्मी? अच्छा जी, अदरक तुलसी जगह पत्ते, ये भी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखती है, तो आपको ये सब खाना चाहिए इस टाइम। दोस्तों तैयार है हमारी चाय, देखिए क्या मस्त लग रही है। आइए दोस्तों सब पीते हैं मिलकर चाय। जी दोस्तों, आपकी गर्म गर्म चाय तैयार है और पिए से। दोस्तों आज हम कई दिनों में बाहर आए हैं गार्डन में घूमने के लिए। बहुत अच्छा गार्डन है ये भी। आपको शायद मोरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, शाम का टाइम है। पीछे मंदिर की घंटियां बज रही हैं। अच्छा व्यू है बहुत, क्योंकि हरियाली तो सबको ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हमें हर पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, शहर के अंदर बिल्कुल नहीं आती। ये बारिश के बाद यहाँ पर फूल आए हैं, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं ना दोस्तों। पूरी लाइन में यही फूल हैं। और ये आपने छोटे वाले तो देखे ही होंगे, ये जो होते हैं हर पार्क में। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, शाम का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम भी बस चलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अंधेरा होने लग रहा है। दोस्तों आज डिनर में बन रही है भिंडी, मेरी फेवरेट। जब बन जाएगी तो आपको भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। इधर मम्मी ने एक और सब्जी बनाई है, वो है प्याज मिर्च। ये भी बड़ी अच्छी लगती है दोस्तों खाने में। जिसे स्पाइसी पसंद है वो ये खा सकता है, और जिसे भिंडी पसंद है वो भिंडी खा सकता है। मम्मी ने तो बनाई है इधर हरी मिर्च और ये प्याज, और पापा बना रहे हैं हमारे भिंडी, क्योंकि पापा जो भिंडी बनाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। ये हमने काट कर रखी है भिंडी, और इसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं पापा। तो जब भिंडी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखते हैं, और टीवी में क्या देख रही हैं? ये व्लॉग। ये देखिए, आप समझ ही गए होंगे किसका व्लॉग देख रही हैं। अपना नहीं देखती हैं, पूरी दुनिया का देखती हैं। लीजिए दोस्तों, भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप बताना कि कैसी लग रही है आपको देखने में, खाने में मैं आपको बता दूंगा। ये लीजिए दोस्तों, हमारी भिंडी बनके तैयार है। साथ में थोड़ी सी मैंने ली है मिर्च वाली सब्जी, दूध और दो रोटी। मैं खाता हूँ और आप भी मेरे साथ खाइए। दोस्तों हम सबका डिनर हो चुका है, अब रात के टाइम अब मम्मी मालिश करवाते हुए पारुल से। कल सिर धोओगे? वैसे नहीं धोते, कल का व्रत। आप पारुल के लगा देना, पारुल आपके लगा रही है, बदला उतर जाएगा साथ के साथ ही। और सुनाओ, कल कुछ नई रेसिपी बनाओगे? अच्छा चलो, कलो आलू के पराठे बना देना, माता जी का दलिया है। अब ये पारुल मम्मी से बदला लेते हुए, अब मम्मी कर रही हैं पारुल की मालिश।
इनका यही चलता है, पहले सास की करती है मालिश और फिर सास बहू की। तो इसे बैल आज पहली बार करी, देखो मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। नरम मुलायम ताजे बाल, खिले खिले मत वाले बाल, कौन सा है ये केश तेल? हेयर एंड केयर, मतलब ये आपके हेयर की केयर करता है। ऐसा ही साथ बहू में प्यार होना चाहिए, आप सभी को शिक्षा लेनी चाहिए इनसे। सब मिलजुल के रहो और खुश रहो इनसे, क्यों और क्या लड़ाई जा रही, सब रोड मिल के रहे हैं। हाँ ये भी बात है, मुझे क्या पता और होगा, बट आप जो नाटक देखती है उसमें तो लड़ाई चलती है ना। चलो जी आप इनकी मालिश करो। नाटकों में तो आपका फेवरेट सीरियल है अनुपमा। हाँ अनुपमा में भी माँ आ रही है ना। चलो ठीक है ओके। और हमारी माता जी यहाँ पर टीवी देखते हुए और अंजलि मोबाइल चलाते हुए। ओके दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।